सारा आज अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ अपने बेटे के साथ नए घर में रहने जाने वाली थी। तभी सारा की गाड़ी के आगे एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिस वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। पड़ोसियों से सारा को पता चलता है उस औरत का बेटा कुछ दिन पहले मर गया था, लेकिन सब लोगों का मानना था उसने अपने बेटे को मारा था। एक दिन अलेक्स सारा से पूछने लगता है उसके पापा उन लोगों के साथ नए घर में क्यों नहीं आए। अलेक्स गुस्सा होकर जंगल में चला जाता है। सारा भी अपने बेटे को आवाज लगाते हुए जंगल में चली जाती है। तभी सारा को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे को देखती है। सारा उस गड्ढे में झांक रही थी, तभी उसके पीछे एलेक्स जाता है। सारा उसे लेके अपने घर चली आती है। एक दिन सारा अपने बेटे को छोड़ने स्कूल में जा रही थी, तभी उनके पास वही बूढ़ी औरत दिखती है, पर इस बार उसका पति भी उसके साथ में था। सारा उसके पति से बात कर रही थी, तभी बूढ़ी औरत लेक्स की तरफ देखकर जोर से चिल्लाने लगती है, तुम्हारा बेटा लेक्स नहीं है, कोई और ही है। सारा अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सारा को पता चलता है उस औरत का सिर किसी ने मिट्टी में दबा के उसे मार डाला। सारा जब जंगल में जाती है उस गड्ढे में उसे उसके बेटे का खिलौना